किन चार चीज़ों को आवश्यक होना चाहिए, जैसे पैसा हो गया, समय हो गया, पहचान और परिवार की सुरक्षा भी चाहिए। तो ये सभी मतलब सुविधा आपको दी जाती है दिल्ली क्राइम प्रेस में। इन सभी के साथ एक चीज़ फ्री में मिल जाती है, वो है मीडिया का पावर भी मिलता है। उसके अलावा ये क्या है, सेल्फ बिजनेस यानी कि स्वरोजगार योजना है ये, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं भी आप हैं तो कहीं भी काम कर सकते हैं। पहले इसका था कितना चार्जेस, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन तो फ्री में होता है, लेकिन उसका जो पैकेज आता है, जो आइडेंटिटी कार्ड आता है, उसके साथ मतलब फॉर्म भी आता है, तो ये सब जो आता है इसके लिए मतलब चार्जेस लिया जाता है आपका आईडी एक्टिवेट करने के लिए, तो उसका चार्जेस अभी 3000 हो गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो जब आप 3000 रुपये दीजिएगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे दिल्ली क्राइम, जिप फोल्डर, न्यूज़पेपर लाइफ टाइम मंथली मिलता है, फिर उसके साथ का पेपर का प्रचार व प्रसार यानी कि उसके साथ प्लान बुक मिलेगा, मेंबरशिप प्रेस कार्ड मिलेगा, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल जाएगा प्रेस का। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स, एड कमीशन 1500 से 2000 तक एड मिलेगा, जो कमीशन उससे मिलता है। उसके अलावा एक पेन मिलेगा आपको यानी कलम, जो इसमें लेवल इनकम है तो उसके बारे में कुछ हम डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं। जो लेवल वन पे है यानी कि 5000 आदमी को आपको ज्वाइन कराना होता है, तो उसमें आपको पर आदमी पे 400 रुपया मिल जाएगा, पहले मिल जाता कितना, ओनली 200 रुपया, तो अभी 400 रुपीज़ मिलेगा, तो यानी टोटल 2000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा 5 आदमी को ज्वाइन कराते हैं। उसके अलावा लेवल टू पे यानी कि जो आप 5 फ्रेंड्स को ज्वाइनिंग कराए हैं, अगर वो 5 किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उस पर आपको मिल जाता है कितना, 50 रुपये पर आदमी पर, जो आपके 5 फ्रेंड्स पीछे हैं आपके पीछे वो ज्वाइन कराते हैं तब, यानी कि 1250 रुपया ये हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा लेवल थ्री की बात करें तो वो जो 25 आदमी, वो 25 आदमी को 5-5 आदमी को ज्वाइन कराते हैं, टोटल होता है कितना, 125 आदमी, अगर वो 125 आदमी होते हैं तो 125 आदमी जो जितना हुआ मतलब 125 आदमी का मिलेगा कितना आपको रुपया, 25-25 रुपया पर आदमी पर, वो टोटल कितना होता है, 3152 रुपया, जो यानी कि फर्स्ट महीने में कितना आएगा, 6375 रुपया, ठीक है। उसके बाद लेवल फोर पर आप देख सकते हैं 625 आदमी का टीम होता है, यहाँ पे 20 रुपया कमीशन मिलता है पर आदमी पर, यहाँ पे 12,500 रुपया टोटल होता है, यानी कि टोटल आपको मिल जाएगा कितना, 18875 रुपया फर्स्ट महीना में। उसके अलावा लेवल फाइव की बात करें तो इसमें 3125 टीम होती है, जिसमें पर आदमी पर 10 रुपया मिलता है, जिसमें 31250 रुपया होता है, यानी कि टोटल इनकम हो जाती है फर्स्ट महीने का कितना, 50125। उसके बाद लेवल सात की बात करें तो 78125 आदमी की टीम होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें भी 10 रुपया इनकम मिलता है, और उसमें पैसे की बात करें तो कितना इसमें आपको पैसा मिल जाता है, 7,81,250। और अगर इसकी टोटल इनकम की बात करें तो इसमें 9,87,625 रुपया मिल जाता है फर्स्ट महीना में। लेवल आठ की बात करें तो आप देख सकते हहैं उसमें टीम बना रहता है कितना, 3,90,625, और इसमें भी 10 रुपये पर आदमी मिल जाता है, यानी कि लेवल आठ पे, लेवल नौ पे, और लेवल मतलब पाँच से लेकर के लेवल नौ तक पर आदमी पर आपको 10 रुपये मिलता है, 10 तक, ठीक है। तो लास्ट में कितना आपको मिल जाता है ये आप देख सकते हैं, 12,20,81,375 रुपया टोटल आपको फर्स्ट महीना मिल जाएगा, अगर आप लेवल 10 तक क्रॉस करते हैं तो, और आपका टीम इतना होता है तो। टीम आपको कितना होना चाहिए, 97,65,625 अगर आपका टीम हो जाता है तो आपको इतना इनकम टोटल आ जाएगा फर्स्ट महीना में। तो आप देख सकते हैं कितना आपको इनकम हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बात करें जो आपकी मतलब 5 आदमी को आप ज्वाइन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कैसे क्या है, तो अगर आपने अपने साथ 5 पाठक बनाए, आपका रैंक न्यूज़ सपोर्टर का हो जाता है, आपको इतने कार्य पर इसका फ़ायदा मिला, रिवार्ड मिला यानी कि सैलरी भी मिली, इंश्योरेंस भी मिला, अब आप अपने साथ या आपकी टीम का सदस्य अपने साथ कोई भी पाठक बनाता है, उस नए सदस्य का फॉर्म आप खुद भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी को आप ज्वाइन कराइएगा तो आप खुद फॉर्म भर सकते हैं अपने से, ठीक है, पहले ये अनुमति नहीं थी। उस सदस्य के लिए आप खुद ही प्रवेश पिन यानी पिन एंट्री की तैयारी कर सकते हैं। इन दोनों कार्य हेतु आपको 50+50 यानी 100 रुपये प्राप्त होते हैं, वो जो मिलेगा ही 100 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। अब इसमें सैलरी वगैरह की बात कर ले तो जब इसमें न्यू सपोर्टर आप क्लियर करते हैं, ठीक है, तो इसमें तो जब न्यू सपोर्टर क्लियर करते हैं तो 2000 रुपये मिल ही जाएगा 5 आदमी को ज्वाइन कराने के बाद। उसके बाद 100 रुपये का महीना मिलने लगता है, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 150 रुपया निकाल सकते हैं, उससे मतलब कम नहीं निकाल सकते हैं, विड्रावल का मतलब ये टर्म कंडीशन है छोटा सा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें 1,00,000 तक की इंश्योरेंस रहती है, और इस जब आप न्यू सपोर्टर क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या इनाम में आएगा, डायरी आएगा प्लस लैपटॉप बैग आएगा, यानी कि एक लैपटॉप रखने वाला बैग आ जाएगा और एक बाइक वाला स्टिकर आ जाएगा। पहले मतलब ओनली डायरी था न्यू सपोर्टर पर, अब ये तीन चीज़ मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
उसके अलावा अगर बात करें फिर अब आपको मतलब और 25 आदमी हो जाते हैं आपके पीछे, तो क्या होता है एरिया एडवाइज़र, ठीक है। तो जब आपके नए काम और आपकी टीम के द्वारा किए गए नए काम की वजह से जब आपकी टीम का साइज़ बढ़कर कुल योग 25 हो जाता है, तब आपकी पोस्ट क्या होता है न्यूज़ सपोर्टर का होता है। न्यूज़ सपोर्टर मतलब 5 आदमी पर था और जब 25 आदमी को हो गया तो क्या हो जाता है एरिया एडवाइज़र। तो आपका जो 100 रुपये का सैलरी था वो 100 रुपये वाला सैलरी आपका बंद हो जाएगा और आपका सैलरी हो जाएगा 500 से स्टार्ट, ठीक है। हर महीने 500 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको फॉर्म फिल्म करने का 100 रुपये मिलेगा ही। उसके अलावा एक आपको इस समय आपको एजेंटी कार्ड तो आएगा ही क्या चीज़ का, एरिया एडवाइज़र वाला। उसके साथ एक पावर बैंक मिलेगा जिसका दाम मतलब 2000 होगा, वो एक पावर बैंक आएगा मोबाइल आपका चार्ज करने के हेतु, ठीक है। उसके अलावा जब आप एरिया एडवाइज़र आ जाते हैं तो इसमें आप इनकम की बात कर लेते हैं, इनकम कैसा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम तो 300 रुपये है, ये लेबर इनकम 100 रुपये है, ये है। और पिन जनरेट इनकम भी आ जाता है इसमें 550 रुपया, और फ्रेंचाइज इनकम इन पर 100 रुपये स्टार्ट हो जाता है, यानी सब टोटल 550 रुपये, ठीक है। और एरिया एडवाइज़र फॉर्म भरते हैं तो भी 100 रुपये मिलता है। और कोई न्यूज़ सपोर्टर यानी कि एरिया एडवाइज़र तो आप हैं, आपके पीछे वाला अगर कोई न्यूज़ सपोर्टर फॉर्म भरता है तब वो आपको कितना मिलता है 50 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो जब आप एरिया एडवाइज़र बने थे उस समय आपका टीम था 25, और जब आपका 125 टीम होता है तो उस समय आपका पद हो जाता है क्या, जोनल एडवाइज़र का पोस्ट हो जाता है, यानी कि आपका थाना लेवल का पावर दिया जाता है, ठीक है। उस समय आपका मंथली बोनस सैलरी यानी कि मंथली सैलरी जो होता है 2000 रुपये पर महीना आपको मिलने लगता है, जो 500 रुपये था वो बंद हो जाएगा, आपको 2000 रुपये पर महीना मिलने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा आप पिन जनरेट का जो 50 रुपये वो तो मिलवे करेगा। अब यहाँ पे फ्रेंचाइज इनकम जो होता है 100 रुपये से बढ़ करके 180 रुपये हो जाता है, और यहाँ पे आपको रिवार्ड में मिलता है क्या 10,000 का मोबाइल एक, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो फर्स्ट महीना में आएगा उसकी बात करें तो ये 630 रुपये इसका खाली आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट इनकम और पिन जनरेट फ्रेंचाइज, ठीक है। और जो 2000 रुपये मिलेगा वो तो मिलवे करेगा, यानी 2000 रुपये 630 टोटल जोड़ लीजिए फर्स्ट महीने में आएगा, उसके अगले महीना से 2000 रुपये। अगर कोई आपके पीछे का टीम वर्क नहीं करता है तो 2000 रुपये ओनली, और वर्क करता है तो सोच सकते हैं आप बहुत हाईएस्ट आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो 125 के बाद जब आप 625 का टीम अगर आप तैयार कर देते हैं तो आपका लेवल हो जाता है डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको मतलब प्रोवाइड कर दिया जाता है पोस्ट, ठीक है। इस समय आपका मंथली बोनस सेल जो हो जाता है वो आपको कितना मिलने लगता है 5000 रुपये मिलने लगता है, ठीक है। यहाँ से आपको 5000 रुपये मिलेगा, और जो पिन जनरेट वाला था तो 50 रुपये मिलेगा ही। उसके अलावा फ्रेंचाइज इनकम जो आप की बात करें तो यहाँ पर 180 से बढ़कर 250 रुपये मिलने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रिवार्ड में आपको दी जाती है 30,000 रुपये, जो जिसका 30,000 रुपये या एक लैपटॉप जिसका दाम होता है 30,000 रुपये, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र बनने पर मिल जाता है आपको, यानी कि 125 सब्सक्राइबर न्यू है यहाँ पे अगर आपके पीछे ज्वाइन हो जाते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकम की बात करें तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट 300 तो मिलवे करेगा, फर्स्ट लेवल इनकम 100 रुपये तो मिलवे करेगा, पिन जनरेट 50 रुपया, और फ्रेंचाइज इनकम 250 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सब टोटल इनकम यानी 700, यानी कि 5000 प्लस 700 फर्स्ट महीना आएगा, उसके बाद 5000 का महीना आता रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र पर। अगर कोई आपके पीछे काम नहीं करता है तो ओनली 5000 रुपया आपका इनकम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 3125 आपका जब टीम बन जाता है तो आपका लेवल हो जाता है स्टेट एडवाइजर्स का, ठीक है। तो जब आप स्टेट एडवाइज़र बन जाते हैं तब आपका मंथली सेलिंग यानी कि मंथली बोनस हो जाता है आपका कितना 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने लगेगा, ठीक है। जो पिन जनरेट इनकम वाला था वो तो 50 रुपये मिलवे करेगा अगर आपको किसी को पिन जनरेट करते हैं तो। और यहाँ पे भी फ्रेंचाइज इनकम 250 ही रहेगा। यहाँ पे आपको एक बाइक का मतलब पैसा दिया जाता है जिसका 60,000 रुपये दिया जाएगा एक बाइक के लिए, ठीक है। एक मीडियम बाइक के लिए, हाई क्वालिटी की बाइक के लिए नहीं है, ठीक है, मीडियम में है, ठीक है। उसके अलावा जो इसके बात करें अगर आप इसका जो इनकम होगा किस स्टेट एडवाइज़र में, ठीक है, तो स्टेट एडवाइज़र में जो इनकम होगा 750 रुपये टोटल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंचाइज इनकम यहाँ पर 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। टोटल आप बताएंगे डिटेल्स में तो बहुत टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम 750 रुपये ही, और जो 10,000 को सैलरी आएगा वो रह पे करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट महीना 10,750 मिल जाएगा, उसके बाद से ओनली 10,000 अगर आपके पीछे कोई टीम काम नहीं करता है तो ओनली, और नहीं तो उससे भी अधिक मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो जब 15,625 टीम का आपके पीछे हो जाते हैं तब आप बन जाते हैं नेशनल एडवाइज़र, आपका पोस्ट हो जाता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो अब उस समय आपको मिलने लगता है सैलरी कितना 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 पर मंथ आपको मिलने लगेगा। उस समय आपको 303
330 मिलेगा फ्रेंचाइज इनकम, और 125,000 का एक बाइक का मिलेगा, यानी कि आप एक बढ़िया सा बाइक ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड बाइक लेने के लिए यहाँ पे 125,000 रुपया है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें इसके इनकम के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 780 रुपये ही है, और जो 20,000 का महीना है वो तो है ही है, तो 20,780 फर्स्ट महीना मिलेगा, उसके बाद 20,000 पर मंथ, अगर आपके पीछे कोई टीम वर्क नहीं करता है तो, अगर करेगा तो जैसे करेगा उसके हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा इनकम, समझे। तो अगर इसके अलावा बात करें तो उसके बाद होता है असिस्टेंट चीफ एडवाइज़र, ठीक है। तो जब असिस्टेंट चीफ एडवाइज़र बन जाइएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा कितना, 50,000 रुपये का आपको मिलने लगता है तनख्वाह, ठीक है। इसमें आपको मतलब क्या कितना फ्रेंचाइज इनकम इसमें आपको हो जाएगा 350 रुपया, ठीक है। और इसमें मिल जाता है बहुत सारा रिवार्ड्स, ठीक है। रिवार्ड्स इसमें मिलेगा क्या, डिज़ायर कार मिलता है एक, जो जिसका अगर प्राइस अगर बात करें 7,00,000 का प्राइस है, वो रिवार्ड्स में आपको यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद चीफ एडवाइज़र का जो अपने 8वां लेवल पे है, अगर इसमें अगर आप आते हैं तो इसमें आप 1,00,000 का पर मंथ आ जाता है, और इसमें अगर रिवार्ड्स की बात करें तो BMW एक कार मिलता है, जिसका अगर बात करें क्या दाम BMW कार का, तो उसका दाम लगभग 25,00,000 होगा। इसमें फ्रेंचाइज इनकम इसमें 360 रुपये हो जाता है। अगर इसमें बात करें असिस्टेंट ब्यूरो चीफ, तो इसमें आपको रिवार्ड्स में क्या मिलेगा, एक मिलेगा फ्लैट मिलेगा, यानी कोई खास फ्लैट नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत स्टैंडर्ड फ्लैट होगा, जिसका दाम कितना होगा 1,00,000। तो कोई खास तो नहीं हुआ, कैसे खास नहीं हुआ, एकदम खास ही है। और इसमें सैलरी आपको 2,00,000 का मिलता है, तो फ्लैट अच्छा हुआ, 1,00,000 का, 1,00,000 नहीं बल्कि 1,00,000 का फ्लैट मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको फ्रेंचाइज इनकम की बात करें तो 370 रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्रियो चीफ की बात करें तो इसमें आपको रिवार्ड मिलता है कि क्या विल्ला, यानी कि 2,00,000 का जिसका दाम आपको हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मंथली कमीशन की बात करें, यानी मंथली इनकम आएगा, तो वो आएगा 3,00,000 रुपया पर महीना। उसके बाद अगर फ्रेंचाइज इनकम की बात करें तो यहाँ पर 380 रुपया और ये 3,00,000 का सैलरी आएगा। और यहाँ पर इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 5,00,000 का यहाँ पर इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ होता है तो 5,00,000 रुपये इंश्योरेंस के तहत दिया जाएगा। चलिए उसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स आपको जान लेते हैं। तो ई वॉलेट सिस्टम है, ठीक है। अगर ये ई वॉलेट सिस्टम अगर आपको नहीं पता हुआ क्या है, तो इसके ऊपर में हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं ये ई वॉलेट सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर लिख रहा है इट्स डिजिटल करेंसी ट्रांसफर अप टू लाइन टू डाउन लाइन, डाउन लाइन टू अप लाइन, मिनिमम ट्रांसफर 150। यानी कि ये जो है ना, जो आपको वहाँ पे समझिए जो पैसा आता है जितना भी, समझिए एक प्रकार का वो ई वॉलेट है, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने फ्रेंड के दूसरा कोई जो दिल्ली क्राइम प्रेस में काम करता है तो उसके वॉलेट में आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते कर सकते हैं, मिनिमम 150 रुपया, उससे अधिक कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि किसी को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं रुपया, अगर आपके बैंक में नहीं, अगर आपका अभी ई वॉलेट में वो बचा हुआ है, अगर आप बैंक में कीजिएगा उसके बाद कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी कर सकते हैं ट्रांसफर उसको, ठीक है। एकदम ये सुविधा आपको दी जाएगी अब, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बात करें तो यहाँ पर तो आपको मालूम ही होगा क्या, सब डिटेल्स में बता दिए हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं क्या क्या कैसा कैसा क्या मिलेगा, गाड़ी वगैरह फ्लैट भी, ठीक है। और जो फर्स्ट बार मिलता है जो मतलब ज्वाइनिंग होने पर, इसके बाद डायरी भी, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया पहले भी, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो बैंक अकाउंट की बात करें तो ये बैंक अकाउंट दिया है, ये यस बैंक का है, बंधन बैंक का है, कनारा बैंक का है, ठीक है, RBL बैंक का है। ये बैंक अकाउंट किसका है, दिल्ली क्राइम प्रेस का। बिकॉज ये बैंक अकाउंट इसलिए दिया हुआ है कि मान लेते हैं हम किसी को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, लेकिन उसका ID एक्टिवेट करने के लिए जो पिन जनरेट किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये इसी बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये भेजा जाता है, उसके बाद आपका ID एक्टिवेट किया जाएगा, ये नहीं, ठीक है। तो इसी यही तीन चार बैंक अकाउंट है, यही किसी एक बैंक अकाउंट में पैसा भेज करके उसके बाद किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो मतलब ये यही फंड ट्रांसफर वाला दिया है सिस्टम की थोड़ा डिटेल्स में, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा बाद में अगर आप चाहें तो, चलिए ठीक है। ये पिन जनरेट वाला भी ये सब वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया आप पढ़ सकते हैं। अगर उसके अलावा बात करें तो पेमेंट बैंक विड्रावल, ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि पेमेंट विड्रावल कब देता है, ठीक है। तो हर एक महीने, ठीक है, हर एक महीने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप विड्रावल कर लीजिए, ठीक है। यानी कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको विड्रावल कर लेना है, और 10 से 11 तारीख तक आपका इनकम आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है डेफिनेटली। अगर आप पेमेंट प्रूफ देखना चाहें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मैंने पेमेंट निकाली तो वो आया हुआ था, ठीक है। और इनकम वॉलेट पेमेंट, यानी कि
जो इनकम आता है वॉलेट में जो, तो एनी टाइम जब भी आप कीजिए, जब भी आप कोई भी आपके पीछे काम करेगा तो इनकम वो आपके आपको वॉलेट में ऐड हो जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र करने का हुआ तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑल इंडिया मतलब जहाँ भी कोई कहीं भी फ्रेंड्स है। अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर नेटवर्किंग कनेक्शन प्रॉब्लम थी, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये